Development on the border that India shares with Nepal, where over the years, particularly after 2011, there's been a perceptible change in the demography of several villages on the Indo-Nepal border. Now, Times Now brings you an exclusive report from the concerned areas where this change in population has taken place. More than 750 kilometers from the national capital, we are traveling towards the Nepal border. Moving through National Highway 28, our destination is the border town of Rupaidiha in Bairaj. Nepal se sata Rupe Diha ilaka. Nepal ki dusri taraf Nepalganj hai aur idhar Hindustan ka जो गांव है वो पड़ता है रुपए डीहा. लेकिन बीते करीब 10-15 सालों से यहाँ तेजी से तरक्की देखी गई है. बड़े पैमाने पर आबादी भी बढ़ी है. यहाँ के तमाम जो लोग हैं रिहायशी वो हमारे साथ हैं. उनसे जानने और समझने की कोशिश करते हैं आखिर यहाँ पर तेजी से तरक्की और जो बड़े पैमाने पर मकान बन रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, उसका रीजन क्या है कि लोग यहाँ पर बॉर्डर में आके बस रहे हैं. यहाँ पे सद्भावना है, सब मिलजुल के रह रहे हैं, यही सब तरक्की है. बॉर्डर है जी. बॉर्डर की पब्लिक इधर आती है, कस्टमर्स आते हैं, बिजनेस स्कोप है, इसलिए यहाँ इस्टेब्लिश होना चाहता है. सोनी जो कष्ट के हैं, सुनार इनको बोलते हैं, तो नेपाल के ही रहने वाले यहाँ कराकर जो ने मकान इंडिया में अपना रुपड़े में बना लिए हैं. कहावत है जहाँ न जाए रेलगाड़ी हुआ जाए मारवाड़ी, तो राजस्थान से कौन आया इससे कोई मतलब नहीं होता. फॉर देम इट मे बी ऑल हंकी डोरी एंड बिजनेस एज यूजुअल. But there is more to the several mosques and minarets that dot the landscape here. Signal that intelligence agencies may have picked up. A report has been sent to the center warning of a demographic change in the villages along the Nepal border. The five border districts of UP have reported a surge in Muslim population to the extent that 116 border villages now have a Muslim majority. On the ground, it's a change which is yet to be acknowledged. आबादी तो इतना हिसाब से बड़ी नहीं है, लेकिन जिसे निनपारा वाले लोग भी आ जाते हैं यहाँ ठेला का काम ज्यादा है. नेपाली लोग की आबादी नहीं बढ़ी है यहाँ, केवल ननपारा वाले हैं और समझ लीजिए आप महाराजगंज के लोग हैं, वो आके बस गए अपना रोजी रोटी कमाने के लिए. बाकी आबादी कुछ बढ़ी नहीं है. आबादी तो ऑलरेडी जो है पुराने लोग थे, और बताए नहीं आपसे कि कुछ लोग पास पड़ोस के बिजनेस के सिलसिले में चले आए और आके बस गए. उसमें से कुछ लोग तस्करी के कारोबार से जुड़े होने के लिए भी था. मैं तस्करी कारोबार में जुड़े वाले में आप कम पाएंगे, लोग वो सब बिजनेस कर रहे हैं. But on the open India-Nepal border, the lure of smuggling cannot be ruled out, especially if narcotics can be passed through. What travels illegally to Nepal includes urea and food waste. नेपाल बॉर्डर से सटे इलाकों में आबादी बढ़ने का एक बड़ा कारण इन इलाकों में होने वाली तस्करी है. खासतौर पर मादक पदार्थों की तस्करी बॉर्डर के रास्ते इंडिया के कई इलाकों में होती है. मैं इस वक्त रुपे डीहा बॉर्डर पर मौजूद हूं. देखिए ये जो गली है ये रुपे डीहा की है. इस गली से होकर तस्करी करना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है. सामने मेरे ठीक पीछे आप देखेंगे तो सामने वाला जो पोर्शन है वो नेपाल का हिस्सा है. मतलब ये गली जहाँ पर ख़त्म होती है ये सड़क भारत और नेपाल को दोनों को अलग करती है. सामने जो दुकानें हैं वो नेपाल के हिस्से में आती हैं. Where these lush fields stand in the Terai were once the territory of Tharus, the original tribal inhabitants of the area. यहाँ पे हम आए हैं रामगढ़ इलाके में. तो ये जनजातियों की जमीन है, लेकिन देख रहे हैं बड़ी तादाद में गांव बस गए हैं. मुस्लिम आबादी है, लेकिन रामनगर है. तो ये कहाँ से आप लोग आके बसे हैं? अब यहाँ से तो जैसे सब पहले आए तो पुरखा लोग जाने कहाँ कहाँ से आए हैं. अच्छा, आप कहाँ से आए थे? हम तो जिले बरेली से. हम लोगों को तो नहीं मालूम भैया कब के रहने वाले हैं, कहाँ के रहने वाले हैं. हम तो यहीं पैदा हुए, हमारे वालिद भी यहीं पैदा हुए, हमारे दादे कहीं से आए होंगे. Over the years, the influx of outsiders have further marginalized the tribals. The land ownership rights meant exclusively for the Adivasis are being brazenly trampled upon. What's even more bizarre is that now outsiders admit that they are being officially clubbed with the Adivasis.
सब चूंकि ये जंगल की जमीन है और यहाँ पे जो पट्टे होते हैं केवल आदिवासियों के लिए हो सकते हैं, तो ऐसे में यहाँ पे आदिवासी में तो हम भी आते हैं, आदिवासियों में तो एसटी और जो खासतौर पे थारू तबका है उसी का नाम है। वो बात तो आपकी मानते हैं हमें, लेकिन आदिवासी में ही हम लोग मतलब ऐसा कि लिखे जाते हैं, अगर कहीं लिखा पड़ी होती है तो आदिवासी में ही हमको रखा जाता है कि आदिवासी ये भी हैं और वहीं उसी में मतलब गुजारा कर रहे हैं, उसी में रह रहे हैं ये। एंड द साइंस ऑफ डेमोग्राफिक चेंज आर विजिबल स्पेशली इन पीलीभीत, खेरी, बलरामपुर, महाराजगंज एंड बहराइच। The five districts bordering Nepal are witnessing a mushrooming of masjids and madrasas. Their numbers have grown by 339 in 3 years. Chandan Chowki ki jis ilaqe mein main is waqt maujood hu, wahan par chand kadam ki duri par Nepal jaaya ja sakta hai. Samne jo pedon ki bell nazar aa rahi hai, wo Nepal ka hissa hai. जो इंटरनल रिपोर्ट यहां से भेजी गई है उसमें चिंता जताई गई है कि बॉर्डर के आसपास के जो गांव हैं और खासतौर पर मुस्लिम बहुल गांव हैं उनकी आबादी तेजी से बढ़ी है, वहां पर पक्के निर्माण हुए हैं, जो मस्जिद हैं, दरगाह हैं उनकी संख्या में भी इजाफा हुआ है। देखिए यहां पे नेपाल है और ठीक इसके बगल में ये ईदगाह आपको पक्के तौर पर बनी हुई सामने नजर आ जाएगी। But now questions are being raised how the demographics may have manipulated and ignored. जो लोग बाहर से बसे हैं, एक तो उसमें 90% लोग संभावित वो सब विदेशी तत्व है, रोहिंग्या तत्व हैं। बहुत से लोग अपने को बरेली का बता करके वहां पर निवास करने लगे हैं, लेकिन वो अवैध तरीके से पूरे रह रहे हैं। उन्होंने कोई ना कोई व्यापार माध्यम से जबरदस्त आए, थोड़ी जमीन लेने के प्रयास करते, फिर थारुओं की जमीन कब्जा कर लेते हैं। The authorities, though aware of the intel reports, are not forthcoming on how they plan to arrest the imbalance. केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर हम लोग वहाँ सजगता से कार्रवाई कर रहे हैं, इसमें हम जो बॉर्डर पे एसएसपी लगी है उसके साथ बेहतर तालमेल लगातार बनाए रखते हैं, बेहतर उनके साथ तालमेल के लिए लगातार मीटिंग होती है और उस कार्य योजना बनाकर हम वहाँ पे कार्रवाइयाँ लगातार कर रहे हैं। If the suspicions of a larger conspiracy come true, India may have sleepwalked into a potential future internal crisis. With Manish Yadav in Rupai Deha on Nepal border, Times Now. Moving on now, there are